भाई साहब ये कैसा कुआं है? ये पूरी बस्ती बसी हुई है दोस्त, हॉन्टेड प्लेस है। तो दोस्तों अभी आप मेरे जो पीछे जो सड़क देख रहे हैं ना, ये हौस खास की सड़क है। और एक जमाने में जो है ना, कितने राजा बादशाह वगैरह जो है इस सड़क से होके गुजरते थे, और उसी सड़क पे आज हम खड़े हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है छोटी गुमटी, और आज जो है ना आपको हम लेकर के आए हैं बाराखंबा। तो ये बेसिकली छोटा सा एक पार्क है, और पार्क के बीच में एक मकबरा बना हुआ है। सारी जानकारी आपको हम देने वाले हैं, तो आइए आपको हम लेकर चलते हैं बाराखंबा। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ का एम्बियंस देख लीजिए, है ना, ये पूरी रोड दिख रही है, और ये है हौस खास विलेज रोड, है ना, सामने में छोटी गुमटी है। और ये जो है गाइस, ये रोड जो है असल में आगे में वही वाली रोड है जहाँ पर आपको दादी पोती का मकबरा दिखेगा, और उसी रोड के साइड में जो है यहाँ पर है बाराखंबा। तो फिलहाल अब हम लोग इसके अंदर चलते हैं। तो गाइस आपको हम ये बताएं ना कि आपको हमने निज़ामुद्दीन का भी एक बाराखंबा पहले दिखाया था, और ये भी यहाँ का एक बाराखंबा ही नाम है। आपको हम सारी जानकारी देंगे कि क्यों बाराखंबा कहा जाता है। और फिलहाल तो आप यहाँ पर देखिए, एंट्री करते ही यहाँ पर जो है इसकी जानकारी पूरी दी हुई है बाराखंबा की, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ से ये आप देख सकते हैं, इतना बड़ा विशाल आपको बाराखंबा यहाँ पे दिख रहा है, और देखने में तो ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गार्डन है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको हम ये बताएं ना कि यहाँ पे आप साफ़ सफाई देख सकते हैं, यहाँ की भी जो साफ़ सफाई है ना काफ़ी बेहतरीन है। तो हमने जो है गाइस पास में ही यहाँ पे दादी पोती का मकबरा है, उसकी भी वीडियो हमने बना रखी है। और अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये है यहाँ का बाराखंबा, ठीक है। और जब फोटो देखा था हमने गाइस, तो फोटो में तो ये अलग लग रहा था, लेकिन जब हम यहाँ पे आए हैं ना, तो आने के बाद अलग फीलिंग यहाँ पे आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह का कोई चबूतरा है ना। सबसे पहले तो आपको हम चबूतरा दिखा देते हैं, और ये देखने में ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो है दिया वगैरह रखने में काम आता होगा। फिलहाल आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर एक आला बना हुआ है इसके अंदर, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एक जो है ना, ये ऐसा लगता है कि ये कुआँ है ना, एक सूखा हुआ छोटा सा, पता नहीं है, इस तरह का स्फेरिकल शेप में कोई स्ट्रक्चर है। इसको हम चारों तरफ से देखते हैं, तो इसके चारों तरफ कहीं पर भी अंदर घुसने की कोई ऐसे निशान तो इसमें दिख नहीं रहा है फिलहाल, ठीक है। और इधर अगर आपको हम दिखाएं दोस्तों, तो यहाँ पर जो है ना एक छोटा सा कुआं है, और ये आप कुआं देख सकते हैं गाइस, ये पूरा भरा हुआ है, और कितनी इसकी डेप्थ थी ये भी नहीं मालूम। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ना कि स्टार्टिंग में जो है आपको बहुत सारी कब्रें यहाँ पर दिखेंगी टूटी हुई, तो ये सब बेसिकली मज़ार है ना उस ज़माने की। और गाइस इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए, है ना, इन दोनों पत्थरों को जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह का कोई मटेरियल होता है, तो इस मटेरियल से जो है ना इसको चिपकाया गया है। और आज भी आप देख सकते हैं ना कि ये कितना ज़्यादा सख्त हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे मटेरियल्स की वजह से जो है ना, ये इतने 800 साल पुराना मकबरा जो है यहाँ पर टिका हुआ है। तो दोस्तों आपको हम ये बताना कि अगर आप हौस खास जैसी जगह या मैलोली जगह जैसी जगह पे अगर आप घूमना स्टार्ट कीजिएगा ना, तो आपको अनगिनत चीज़ें जो है ना दिखने को मिलेंगी। और ये सब चीज़ें जो है ना गाइस, ऐसी नहीं है कि मतलब छिपी भी है किसी से, ये आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ ये पूरी बस्ती बसी हुई है दोस्तों, है ना। आप देख सकते हैं बड़े बड़े कोठी हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, है ना। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे में, है ना, इस कैंपस में ही यहाँ पर मज़ार आपको दिख रही है दोस्तों, ये मज़ार है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर भी दिखाएं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये भी एक कब्र है जो कि अभी टूटी हुई है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं ये सारी कब्र यहाँ पे है। तो इस तरह से जो है ना, आपको इस बाराखंबा के बाहर में आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी छोटी छोटी कब्रें जो हैं टूटी हुई दिखेंगे। आप ये भी देख सकते हैं, ये भी एक कब्र बनी हुई है, ठीक है। और इस साइड भी आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी एक छोटी सी कब्र है। लेकिन दोस्तों आपको हम ये बताएं कि ये सारी कब्रें जो है ना, ये किसकी है, कौन है, इसके अंदर किसको दफनाया गया है, इसकी जानकारी जो है फिलहाल हमारे पास नहीं है। और ASI ने भी जो है ना ऐसी कोई जानकारी यहाँ पर नहीं दी है। तो फिलहाल हम गारंटी के साथ कह सकते हैं ना कि यहाँ पर इस मकबरे को आप देख रहे हैं, तो आपको एक अच्छी फीलिंग यहाँ पे आ रही होगी। और इधर से आप क्लियरली आप देख सकते हैं पूरी बस्ती है। ऐसा नहीं है कि ये जो है डरावनी जगह है या हॉन्टेड प्लेस है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल अच्छे से इसको जो है सजा के रखा गया है, सफाई करके रखी गई है। तो फिलहाल हम यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से इसके दरवाज़ा है, यहाँ पे एक सीढ़ी बनी हुई है, और यहाँ पे आप पिलर्स देख सकते हैं गाइस, है ना। तो इस तरह से इसके अंदर जो है 12 पिलर है। यहाँ पे ये कुआं हमने दिखा दिया आपको, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रात में लाइटनिंग्स के लिए जो है ना सारा यहाँ पे इंतज़ाम है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं गाइस, ये जो है ना यहाँ पे टोटल फिलहाल यहाँ पे 12 पिलर्स इसके अंदर लगे हुए हैं, इसीलिए जो है ना इस गुंबद का जो नाम है वो बाराखंबा कहा जाता है इसको। और ये आप देख सकते हैं, ये इसका गुंबद है इस तरह से, है ना। और उसी तरह से आप देख सकते हैं कि तीनों हर एक साइड में जो है ये चार साइड का है,
और हर एक साइड में जो है ना इस तरह से यहाँ पे तीन दरवाजे हैं और ऊपर में एक मेन दरवाजे के ऊपर में एक वेंटिलेशन के लिए खिड़की बनी हुई है। और उसी स्टाइल में सेम स्टाइल में आप देख सकते हैं कि चार ये वाला है और इसके ऊपर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 8 साइड दिया गया है, उसके ऊपर 16 है। इस तरह से जो है ऊपर से स्फेरिकल बना दिया गया है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके ऊपर जो है ना हर एक गेट के ऊपर जो है छोटे वाले यहाँ पर इस तरह के आले बने हुए हैं। हो सकता है कि इसमें भी जो है दिया वगैरह रखने में काम आता होगा। इधर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है ना आले वगैरह हर एक साइड में यहाँ पर बने हुए हैं। तो दोस्तों जहाँ तक हम इन सारे पिलर्स की बात करें ना, तो आप देख सकते हैं कि हर एक पिलर्स जो है ना वो अलग अलग विड्थ का है ना। ये जो कोने वाले जो हैं वो सारे बड़े मोटे मोटे पिलर्स हैं, बाकी जो बीच बीच में जो है ना दो वो पतले पतले साइड के हैं। तो ये है 12 पिलर्स का कहलाता है ये 12 खंभा। और जहाँ तक हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें दोस्तों, तो ऐसा कहा जाता है कि इसे जो है लोधी काल में बनाया गया था, यानी कि 1451 से 1526 के बीच में। फिलहाल ऐसे कोई मकबरे पे अगर आप जाइए ना, तो आपको वहाँ पर एक पीसफुल, एक सुकून जैसे महसूस होता है गाइस। तो दोस्तों अभी जो है ना थोड़ी सी बारिश भी हो गई है और मौसम भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो गया, धूप बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। और अगर आप गाइस अगर आप दिल्ली घूमते हैं ना, हौस खास घूमते हैं, महरौली घूमते हैं, तो आपको जो है ना ऐसे ऐसे 12 खंभे के जैसे बहुत सारे मकबरे आपको दिख जाएंगे। तो अभी हमने आपको निज़ामुद्दीन में भी दिखाया था 12 खंभा, जिसे तुगलक काल में बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, और वहाँ पर भी 64 खंभा है जिसमें 64 पिलर्स है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मकबरे जो है ना आपको दिल्ली में भी दिख जाएंगे और आपको मेरे चैनल पर भी दिख जाएंगे। तो अगर आपको ऐसे मकबरे के बारे में जानकारी चाहिए ना, तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और जहाँ तक हम इसके नज़दीकी मेट्रो की बात करें, तो ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन जो है ना वो नज़दीक है, वैसे ही जैसे आप दादी पोथी का मकबरा आए थे उसी लेन में जो है ना ये भी पड़ता है। और इसी के आसपास जो है आपको बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स दिख जाएंगे, जैसे में छोटी गुमटी है, दादी पोथी का मकबरा है, 12 खंभा है। तो आप एक साथ जो है ना सबको विजिट कर सकते हैं। इसमें अगर आप गाइज आपको हम बताएं ना, तो इसके अंदर जो है ना फिलहाल, मतलब इसके अंदर जो है पूरे कबूतरों का अड्डा बन चुका है ये, है ना। चारों तरफ जो है यहाँ पे कबूतर ही कबूतर इसके अंदर है। लेकिन बाकी जैसा हमने आपको निज़ामुद्दीन का 12 खंभा दिखाया था ना, उससे तो ये काफ़ी अच्छे कंडीशन में दिख रहा है गाइस। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको हौस खास का 12 खंभा भी घुमा दिया है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वाली वीडियो जो है ना काफ़ी पसंद आई होगी। नई टाइप की वीडियो थी, नया मकबरा था। तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में किसी नए धमाके के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।